ज्यादा परेशान है, आपके कानों के आसपास, ओठों के ऊपर, इस जगह इतना ज्यादा हेयर नजर आता है कि एकदम दाढ़ी मूछ जैसा नजर आने लगता है। ऐसे में कोई यदि आपको टोक दे तो सुनने में और ज्यादा बुरा लगता है। फ्रेंड्स, इनको रिमूव करने के लिए हम तरह तरह की चीजों का सहारा लेते हैं, लेकिन ये चीजें हमारी स्किन पर साइड इफेक्ट भी छोड़ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है मैं अपने चैनल पर हमेशा आप सभी के साथ होम रेमेडी शेयर करती हूँ जो आपके अनवांटेड हेयर को भी दूर करती है, आपकी स्किन को यंग टाइट ब्राइट बनाती है। सो आज भी हाजिर हूँ आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी असरदार इजी होममेड रेमेडी, जिसके इस्तेमाल से आप फ्रेंड्स अपने अनवांटेड हेयर को तो दूर कर ही सकते हैं, साथ ही इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी हेयर ग्रोथ भी स्लो डाउन होने वाली है। तो आज की ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल मचाने वाली है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है जो अपने फेशियल हेयर से बहुत ज्यादा परेशान है। सो फ्रेंड्स, पूरी प्रोसेस को समझने के लिए कि कैसे इस रेमेडी को बनाना है एंड यूज करना है, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आज का ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल एंड यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बिना देरी करते चलिए आइए फटाफट से अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ की जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो है शुगर, यानी कि चीनी। तो ये वही चीनी है फ्रेंड्स जो हम सभी के किचन में खाने में यूज़ होती है। तो 2 चम्मच के करीब जो चीनी है फ्रेंड्स हम यूज़ करने वाले हैं आज की होम रेमेडी को बनाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक छोटा सा पैन लिया है, उसमें फ्रेंड्स मैं 2 चम्मच के करीब चीनी यानी कि शुगर ऐड कर दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स चीनी हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, इसमें स्टिकीपना होता है जो कि हमारे अनवांटेड हेयर को बहुत ही आसानी से रिमूव कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी चीनी से जुड़ी बातें मैं आपको आगे के वीडियो में बताने वाली हूँ कि इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन पर कितने अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ 2 चम्मच चीनी मैंने यहाँ लिए है, आधा नींबू का सारा रस जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए फ्रेंड्स हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको सारा जो जूस है इस चीनी में ऐड कर देना है। क्वांटिटी का खास ख्याल रखेंगे, अगर 2 चम्मच चीनी ली है तो आधा पूरा रस आपको नींबू का इसमें ऐड करना है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि मैं आपको आगे के वीडियो में बताने वाली हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। ये रेमेडी आपका छोटा सा छोटा बाल को भी इतनी आसानी से रिमूव करेगा कि आप खुद इसके रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने आधा नींबू का रस डाल दिया, आधा और डाल दूंगी, तो पूरा 1 नींबू का रस हमें इसमें ऐड कर देना है जितने में ये चीनी अच्छे से डिप हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया, अच्छे से निकाल लिया है, मीन्स 1 नींबू का सारा रस हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, वैक्सिंग के दौरान कई लोगों की स्किन काली पड़ जाती है तो स्किन पर वाइटनिंग का भी काम करता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं यहाँ फिटकरी का पाउडर जो है चुटकी भर इसमें ऐड करूंगी। फिटकरी यानी कि एलम बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट है अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम आधा चम्मच के करीब ऐड करेंगे आलमंड ऑयल। यदि आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो मैं आपको इसका सब्स्टिट्यूट बता देती हूँ, कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐसे ये मिक्स नहीं होगा तो उसके लिए फ्रेंड्स इसे हमें थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। तो सिम फ्लेम पर चलिए मैं इसको रख देती हूँ, और फ्रेंड्स इस यहाँ मैंने गैस कर दिया है ऑन सिम फ्लेम पर, और उसके बाद इस पैन को हम इस पर रख देंगे और फ्रेंड्स सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते चले जाएंगे, मीन्स चीनी जो है नींबू के रस में अच्छे से घुल जाए। फ्रेंड ध्यान रखेंगे कि रेमेडी को बनाते टाइम आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पानी ऐड कर देने से ना इसका स्टिकी बना जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर अनवांटेड हेयर निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है। तो पानी का इस्तेमाल कतई नहीं करना है आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं स्पून की सहायता से मैं इसे सिम फ्लेम पर रखकर बाकायदा चलाती जा रही हूँ, आपको बिल्कुल चलाते रहना है, रुकना नहीं है। यदि आपको लगे बबल्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप गैस की फ्लेम ऑफ कर सकते हैं, फिर दोबारा ऑन करके इस तरीके से चलाते रहिएगा जब तक कि ये रेमेडी जो है जब तक ये जो मिक्सचर है ये थिक ना हो जाए, एकदम चाशनी जैसा गाढ़ा ना बन जाए। फ्रेंड्स बिलीव मी, जब आप इस रेमेडी को बनाकर तैयार करेंगे तो बाहर जाकर जो आप वैक्सिंग वगैरह कराते हो ना एकदम भूल ही जाएंगे। तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते जाना है एंड तब तक गैस पर चलाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे यूज करने के लिए। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि रेमेडी जो है मेरी ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है। स्किन पर कैसे अप्लाई करें कि आपके अनवांटेड हेयर दूर हो जाए, चलिए आइए ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। So, आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं अपने अपर लिप्स वाले एरिया के जो हेयर्स हो जाते हैं उनको आप कैसे रिमूव करेंगे ये मैं करके दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसे फुल फेस के या फिर हाथ पैरों की बढ़ती हेयर ग्रोथ को भी रिमूव कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आइए ये भी देख लेते हैं। सो वीडियो पर बने रहे एंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। सो चलिए देख लेते हैं ये भी।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे ओंठों के ऊपर अपर लिप्स वाले एरिया पे हल्के हल्के रोए हैं, जिन्हें मैं आपको लाइव जो है रिमूव करके दिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले आप अपनी स्किन को सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। तो यहाँ वेट वाइप की हेल्प से मैं अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। आप चाहें तो पानी से अपना फेस वॉश भी कर सकते हैं, उसके बाद स्किन को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने अपनी स्किन वेट वाइप की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर ली है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को देख सकते हैं, ये एकदम थिक सी बनके तैयार हुई, एकदम चाशनी जैसी। उसको आपको अपनी फिंगर की हेल्प से आपके अनवांटेड एयर जहां पर है वहां पर स्प्रेड करना है, एक पतली सी लेयर के साथ पहले। ठीक है फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो ये जो चाशनी बनाई है, इसको आप डायरेक्ट थोड़ा सा गुनगुना ही अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कैसे इसको रिमूव करेंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में करके दिखाने वाली हूँ, लेकिन सेकेंड मेथड में आपको वर्बली बता देती हूँ। आप इस रेमेडी को लगाने के बाद कोई भी कॉटन का कपड़ा रखकर इसके ऊपर रखेंगे, डैब डैब करेंगे एंड अपवर्ड डायरेक्शन में हेयर के से रिमूव करेंगे, तो मोटा सा मोटा कड़ा बाल भी आपका बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। ये वाला मेथड आप अपने बॉडी के किसी पार्ट के हेयर को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। आपका बाल कितना भी कड़ा हो, बहुत ही आसानी से इस रेमेडी के थ्रू निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अपर लिप्स वाले एरिया पे मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ कैसे करना है। यहाँ पे स्किन पर लगा लिया है, 10 मिनट के लिए स्किन पर थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। यहाँ देखिए, मुझे 10 मिनट हो गए हैं, ये रेमेडी जो है ड्राई हो चुकी है। अपवर्ड डायरेक्शन में रब करते हुए आप जब इस रेमेडी को रिमूव करेंगे तो आपका जो रोया होता है, आपका अनवांटेड हेयर होता है, इस रेमेडी के थ्रू निकल के बाहर आ जाएगा। तो फेस पर तो आप ये वाला मेथड यूज करेंगे, एंड यदि हाथ पैरों की बॉडी किसी पार्ट के हेयर को अगर रिमूव करना है तो आप जो मैंने स्ट्रिप बताई है कॉटन का कपड़ा को लगाकर अपवर्ड डायरेक्शन रिमूव करेंगे, वो वाला मेथड यूज करेंगे। सो दोनों मेथड मैंने आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रब करते हुए इस रेमेडी को मैं बहुत अच्छे से रिमूव कर रही हूँ। जो रोए हैं वो तो रिमूव इससे हो ही जाएंगे, लेकिन यदि आपकी स्किन पर डेड सेल, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो वो भी ये बहुत अच्छे से आपकी दूर करता है। सो यहाँ मैंने रेमेडी को अच्छे से रब करते हुए रिमूव कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ वेट वाइप की हेल्प से मैं अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। तो काफ़ी आसान मेथड है ये अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाने का। यदि फ्रेंड्स आपका अभी थोड़ा बहुत हेयर अभी रह गया है, तो आप वेट वाइप से हल्के से प्रेशर देते हुए भी इस रेमेडी को और रिमूव करेंगे, क्लीन करेंगे स्किन को, तो जो बचा कुचा बाल है वो भी आसानी से निकल के बाहर आ जाता है। बहुत ज़्यादा हैवी हेयर ग्रोथ है तो आप वो वाला मेथड यूज़ करेंगे कॉटन वाइप को अपर डायरेक्शन में रिमूव करते हुए। तो इस तरीके से आपके अनवांटेड हेयर बहुत आसानी से गायब हो जाएंगे, एकदम साफ हो जाएगी स्किन। तो यहाँ वेट वाइप से मैंने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, रिजल्ट आप सभी के सामने है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप अनवांटेड हेयर रिमूव करेंगे तो उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया, अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई किया, हल्की सी मसाज करेंगे एंड स्किन पर इसी तरीके से लगा रहने देंगे। तो इस तरीके से आप अनवांटेड हेयर को बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं, रिजल्ट आप सभी के साथ। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से घर की ही चीजों से हम अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं बिना स्किन को किसी तरीके का डैमेज पहुंचाए। तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा, रिजल्ट कैसे मिले प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए या फिर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं एंड इस तरीके के रेमेडीज वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे फ्यूचर में भी और अच्छे वीडियोस देख सकें। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहां तक देखा है, वीडियो से जुड़ी कोई भी बात यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मैं विभा इस वीडियो को अब यही करने जा रही हूँ एंड जल्दी मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, इस तरीके की रेमेडीज ट्राई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।